नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2022 तक आपको यह तीन चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2022 में अगर आप कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो बिल्कुल ही आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों वो कहते हैं कि भविष्य अच्छा करने के लिए हमें अभी से ही कोशिश करना चाहिए। ये दोस्तों इसी प्रकार आज के इस वीडियो में जो बातें आपको हम पहले बताने वाले हैं, दोस्तों साल 2022 के लिए आप सभी के लिए बहुत ही उपयुक्त विचार होंगे, बहुत ही उपयुक्त रास्ते होंगे अगर आप इन्हें अपने जीवन काल में ढाल लेंगे। तो दोस्तों साल 2022 आप सभी के सफलताओं को लेकर आने वाले साबित होंगे और साल 2022 में आप अपने सफलताओं के झंडे गाड़ने में सबसे आगे रहेंगे। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों ये जो तीन चीजें हैं ये आपको हमेशा नुकसान दे रही है और आप अभी तक इन्हें पहचान नहीं पा रहे। जी दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो दोस्तों ये तीन जो चीजें हैं आप शिव के जीवन काल के लिए सबसे नुकसानदायक चीज होंगी और इन्हें आप जब जानेंगे तो दोस्तों तुरंत ही आप छोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इनके वजह से आपके जीवन काल में कौन कौन से संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा है इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि यश मंत्राल में जो ग्रहों की स्थिति होगी, निकट अनुसार आपके जीवन काल में क्या क्या बदलाव होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अंत तक आपको वह सभी बातें बताने वाले हैं जिन्हें आपको यश में त्यागना होगा, और अगर आप इन्हें त्याग देंगे तो दोस्तों साल 2022 आप सभी के लिए बहुत ही उज्जवल व्यतीत होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का और अपनी माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए उत्तम परिस्थितियां बना रहा है। दोस्तों समाज व फिर परिवार में आपका यश में मान सम्मान बढ़ेगा। भाइयों के साथ चल रहा कोई विवाद भी यश में समाप्त हो रहा है। दोस्तों यश में संबंध दोबारा मधुर हो जाएंगे और आपका रुका हुआ व फिर सरकारी काम जो है यश में बनने का उत्तम समय है। अनुकूल परिस्थिति है आपके लिए। यश में आपका सभी रुके हुए काम बनने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अत्यधिक भावुकता की वजह से नुकसानदायक स्थितियां बन सकती है। ये भावुकता आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इस पर ध्यान दें। यश में कोई भी निर्णय प्रैक्टिकल होकर ही लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दिल के बजाय दोस्तों यश में आपको दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों इस बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए। अगर घर में कोई निर्णय संबंधी कार्य चल रहा हो तो दोस्तों उनमें विघ्न आने जैसी आशंका भी लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित समस्याएं कम होने लगेंगी। फिर भी दिन की शुरुआत में कुछ बड़ा सा आपका जो खर्चा हो सकता है दोस्तों, ये आपका आत्मविश्वास भी यश में कम कर सकता है। दोस्तों नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अपनी दिनचर्या तथा व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी आप लाएंगे। सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने में तथा समन्वय बनाकर रखने में कामयाबी रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि निवेश संबंधी मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि यह समय धनदायक परिस्थितियां बनी हुई है। इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार के सदस्यों को उनके तरीकों से कार्य करने ही दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे तथा उनका सहयोग करें। दोस्तों इनसे उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। घर के किसी वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है तथा कुछ महत्वपूर्ण काम भी यश में रुक जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी बात पर जरूरत से अधिक विचार करने की वजह से जब मौका का फायदा उठाना होता है तब आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अधिक संयम रखना भी आपके लिए यश में हानिकारक हो सकता है, इसलिए दोस्तों वक्त पर निर्णय लेना भी यश में आपको सीखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि अगर घर में नवीन या फिर रख रखाव संबंधी कुछ योजना बन रही है तो दोस्तों उसे क्रियान्वित करने का उचित समय होगा। यश में फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के भी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। दोस्तों व फिर परिवारों के साथ कुछ मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बन सकते हैं जिससे मन आपका प्रफुल्लित रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों अपनी भावुकता और उदारता पर आपको संयम रखना चाहिए, कोई आपकी इन कमजोरियों का फायदा उठा सकता है, इस बात पर यश में आपको गौर करना चाहिए। किसी के साथ भी बहुत अधिक विवादों में आप ना पड़ें और अपने काम से ही आप मतलब रखें।
दोस्तों यशमेध, बातों पर आपको गौर करना चाहिए। रिस्क लेने की प्रवृत्ति से आपको यशमेध दूर रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध आपके द्वारा नए व्यापार में लिए गए जो भी प्रयत्न हैं उनमें किसी के द्वारा बाधा भी डाली जा सकती है, इसलिए दोस्तों काम में संबंधित बातों की चर्चा आप किसी और से ना करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मित्र परिवार से कुछ आप सहयोग भी ले सकते हैं, उनका महत्वपूर्ण सहयोग आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। अपेक्षा के अनुसार आपको इसमें उनका साथ भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे की किसी समस्या का समाधान भी मिलने से तनाव से आपको राहत मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व फिर मार्गदर्शन आपके लिए इसमें भाग्य में वृद्धि करेगा। दोस्तों आपकी कार्यकुशलता में भी इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी कार्य भी संपन्न हो सकता है। अगर दोस्तों यशमेध खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपको बजट गड़बड़ा सकता है, तथा दोस्तों अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। गुस्सा व फिर जल्दबाजी करना आपके लिए यशमेध आपके बनते कार्यों में भी बिघ्न डाल सकता है, तो इस बात पर ध्यान दें। यशमेध आर्थिक मामलों में भी अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यशमेध स्वभाव के जो पहलू आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ऐसे स्वभाव में बदलाव लाना आपके लिए यशमेध संभव होगा। अपनी पर्सनालिटी को बदलने के लिए किए गए प्रयत्न आपको सफलता दिलाएंगे। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी को पूरी करने की आपकी कोशिश इसमें आपके द्वारा किए जा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यशमेध अपने कार्य क्षेत्र में जो नई नीतियाँ और योजनाएँ बनाई है उन पर पूरी मेहनत से काम करें। दोस्तों आने वाले दिनों में आपको लाभदायक स्थितियाँ इनमें देखने को मिलेंगी। कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशमेध कार्य क्षेत्र में अपनी योजनाओं तथा कार्य प्रणाली को सीक्रेट रखें, अन्यथा कोई कर्मचारी ही आपकी सूचना लीक कर सकता है। दोस्तों यशमेध नौकरी में परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। दोस्तों ऑफिस में भी शांतिपूर्ण तथा पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा। इसके साथ दोस्तों यशमेध होटल इंडस्ट्री से जुड़े जो भी लोग हैं अपने व्यवहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनमें आपको सफलता मिलेगी और मार्केटिंग के नए मार्ग भी आपको इसमें अपनाने होंगे। इसके साथ दोस्तों यशमेध आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशमेध कोई भी डील या फिर लेन देन संबंधी कार्य बहुत ही अधिक सावधानी से करें। दोस्तों किसी के द्वारा विश्वासघात होने की आशंका भी बन रही है, साथ ही किसी ऑर्डर के रुक जाने से भी आपका नुकसान हो सकता है और यह नुकसान को आपको इसमें सहन भी करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया संबंधी बिजनेस में कोई नई उपलब्धि भी आपको हासिल होगी। कला और रचनात्मक कार्यों से संबंधित लोगों को कोई नया अनुबंध भी यशमेध मिलने की संभावना बन रही है। स्टॉक मार्केट से जुड़ा जो भी लोग हैं, यशमेध आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशमेध पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। बच्चों के करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। विवाहतर प्रेम संबंध भी बदनामी का कारण बन सकता है, तो दोस्तों यशमेध इनसे आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमेध आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां भी दूर होंगी, संबंधों में पुनः मधुरता आएगी, घर में भी अविवाहित व्यक्ति का रिश्ता तय होने की संभावना यशमेध बन रही है। इसके साथ ही दोस्तों यशमेध आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति भी मिल जाएगी तथा पति पत्नी के बीच भी भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत बनेंगे। इसके साथ दोस्तों यशमेध आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह आपके घर के वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यशमेध ज़्यादा तनाव और फिर नकारात्मक विचारों की वजह से मनोबल में कमी आप महसूस कर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहें तथा उत्तम साहित्य पढ़ें, दोस्तों ये आपके सेहत के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमेध जोड़ों तथा घुटनों में भी दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बाहर बाधित चीज़ों का सेवन ना करें तथा एक्सरसाइज यशमेध अवश्य करें, दोस्तों ये आपका मुख्य इलाज होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमेध आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि बाहरी तथा गरिष्ठ खान पान से परहेज करें। पेट दर्द, सिर दर्द जैसी दिक्कत का भी आप अनुभव यशमेध कर सकते हैं।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अत्यधिक तनाव की वजह से भी अपच व फिर गैस की समस्या बढ़ेगी। मेडिटेशन व फिर ध्यान में आप समय को अवश्य व्यतीत करें तथा कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों इन सभी चीजों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। तो दोस्तों यदि ग्रहों की स्थिति जो कि आपके जन्मकाल में घटित होने वाले हैं, आइए दोस्तों इसके उपरांत बात करते हैं कि यश में आपको वे तीन कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि बीती हुई बातों को आपको भूलना चाहिए। जी दोस्तों, अगर आप अपने भविष्य में कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने अतीत को भूलना चाहिए। कि दोस्तों अगर आप अपने अतीत के दुखों को याद करेंगे, अतीत के अपने कष्टों को याद करेंगे तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में यूँ कहें तो वर्तमान समय में जो आपके जीवनकाल में घटना घटित हो रही है उनमें भी आपको कार्य करने में मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको अपने पिछले समय की जो भी बुरी चीज़ है उन्हें आपको भूलना चाहिए और आपको नई शुरुआत करनी चाहिए। जी दोस्तों, और दूसरा चीज़ यह है कि आने वाले समय में आप अपने मन में एक चीज़ ठान लीजिए कि आपको कोई भी गलत संगत का साथ नहीं रहना है। जी दोस्तों, क्योंकि अक्सर हमें जो भी करना हो तो हम कर तो लेते हैं लेकिन दोस्तों गलत संगत की वजह से हमारे कार्य कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों यश में आप अपने मन में यह बात भी लाएँ कि हमें अब गलत संगत से दूर रहना है। क्यों दोस्तों, अगर आपके साथ कोई अच्छा संगत होगा, अगर वह 100 रुपया एक दिन में कमाएगा तो दोस्तों आपके भी मन में वही विचार आएंगे कि 100 तो नहीं हम ज़रूर 50 कमाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही विचार आपको अच्छे संगत में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप अच्छे संगत में रहें। और दोस्तों तीसरा चीज़ है डर। जी दोस्तों, आप अपने जीवनकाल से डर को हटाने का प्रयास करें। क्यों दोस्तों, बहुत से ऐसे कार्य आपके जीवनकाल में हैं जिन्हें आप डर की वजह से छोड़ चुके हैं। जी दोस्तों, उस डर को वश में आप खत्म करें और उस कार्य को पुनः प्रयास करें। क्यों दोस्तों, प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं मिलती है, जीत ज़रूर मिलती है। तो दोस्तों यश में आप इनका भी ध्यान रखें कि डर को अपने जीवनकाल से हटाना है और अपने जीवनकाल की एक नई शुरुआत के लिए आपको प्रयास करना है। तो दोस्तों इन तीन चीज़ों को आपको भूलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तभी दोस्तों आपके जीवनकाल में आने वाले साल में आप बहुत ही तरक्की को हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।